वन, मैं डाइटिशियन रीतुल गोदवानी, मास्टर्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन, डायबिटीज एजुकेटर, सर्टिफाइड इन स्पोर्ट्स क्लिनिकल एंड वेट मैनेजमेंट। आज मैं आपके साथ एक ऐसा डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल रहेंगे एंड साथ ही साथ आप इजिली फैट लॉस भी कर सकते हो। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ डायबिटिक डाइट प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डाइट प्लान। अर्ली मॉर्निंग में आपको उठते से ही लेना है 1 ग्लास ऑफ मेथी सीड वाटर, मतलब फेन्यूग्रीक सीड। उसको बनाने के लिए आप रात में ओवरनाइट मेथी को पानी में सोक भी कर सकते हो एंड मॉर्निंग में 5 से 10 मिनट तक के लिए उबाल के छान के आप सर्व कर लीजिए। अगर नाइट में सोक करना मिस हो जा रहा है तो आप मॉर्निंग में डायरेक्टली बॉईल कर सकते हैं फॉर 10 टू 15 मिनट्स एंड स्ट्रेन करके वो पानी ले लीजिए। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट के डे 1 में आपको लेना है 3 पीस ऑफ ओट्स रवा इडली। इसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ रवा, 30 ग्राम्स ऑफ ओट्स एंड 100 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल लोगे एंड इसमें 50 ग्राम्स ऑफ कर्ड भी ऐड करोगे एंड इसको सर्व कर सकते हो 15 ग्राम्स ऑफ कोकोनट चटनी के साथ। डे 2 के ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ मेथी मटर पराठा। इसको बनाने के लिए आप 40 ग्राम्स ऑफ व्हीट फ्लावर यूज करोगे, 30 ग्राम्स ऑफ मटर यूज करोगे एंड 30 ग्राम्स ऑफ मेथी लीव्स यूज करोगे। इसको सर्व कर सकते हो मिंट कोरिएंडर चटनी के साथ। डे 3 के ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 1 बोल ऑफ मसाला ओट्स, जिसको बनाने के लिए आप 40 ग्राम्स ऑफ ओट्स, आप यहाँ पे कोई भी वैरायटी का ओट्स यूज कर सकते हो, रोल्ड ओट्स या स्टील कट ओट्स या इंस्टेंट ओट एंड उसमें ऐड करना है 200 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल। डे 4 के ब्रेकफास्ट में आपको लेना है पनीर पोहा। पनीर पोहा बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ पोहा यूज करोगे, 30 टू 40 ग्राम्स ऑफ पनीर एंड 100 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो प्रो पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेंगे और इसके अंदर कुछ पीनट्स को रोस्ट करेंगे। तो पीनट्स तो पोहा में डलते ही हैं, अब इसके साथ साथ हम इसके अंदर कुछ पनीर के क्यूब्स भी ऐड करेंगे और दोनों चीजों को एक साथ रोस्ट करेंगे। तो पनीर में भी कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन होता है और पीनट्स भी जो कि हेल्दी फैट है ये भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है एंड दिस इज व्हाई आई हैव नेम्ड दिस पोहा प्रो पोहा। जब तक पीनट्स और पनीर रोस्ट हो रहा है इसे साथ के साथ स्टर करते रहना जरूरी है, नहीं तो पनीर कढ़ाई के साथ चिपक सकता है। और जैसे ही ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा, पनीर एंड पीनट्स रोस्ट हो जाएंगे, इसे हम निकाल कर एक साइड में रख देंगे। सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ बिकॉज आई पर्सनली लाइक पोहा इन मस्टर्ड ऑयल। इसके बाद हम इसमें पोहा का एक और खास इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है करी लीव्स। करी लीव्स के बाद हम इसके अंदर कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, साथ में थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। पोहा में मैं काली मिर्च या लाल मिर्च का यूज नहीं करती, आई जस्ट ऐड सम ग्रीन चिलीज टू मेक इट स्पाइसी। इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे और इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। देन लेट्स ऐड सम हल्दी पाउडर। गाइज इन सभी इंग्रीडियंट्स की लिस्ट क्वांटिटीज के साथ आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी जहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी आप सिर्फ इस रेसिपी पे फोकस करिए। अब बारी है इसके अंदर सोक्ड पोहा ऐड करने की। तो पोहा को मैंने रनिंग वाटर के अंदर कुछ देर के लिए वॉश किया था जिससे वो सॉफ्ट हो गया है और अब इसे कढ़ाई में डाल के सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश लेमन जूस इसमें स्क्वीज करेंगे और अब बारी है रोस्ट किया हुआ पीनट्स एंड पनीर इस पे डालने की। सभी चीजों को मिक्स करेंगे एंड देन वी ऐड सम चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। इसी के साथ ये पोहा सर्व होने के लिए रेडी है। आप इसे एक सर्विंग प्लेट या सर्विंग बोल में निकाल लीजिए। गार्निश इट विद सम मोर कोरिएंडर लीव्स एंड रोस्टेड पनीर एंड पीनट्स, साथ में एक लेमन भी रख सकते हैं और इसी के साथ हमारा प्रो पोहा रेडी है। डे 5 के ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो अनियन गार्लिक पराठा, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ व्हीट फ्लाई यूज करोगे, 30 ग्राम्स ऑफ अनियन एंड 10 टू 15 ग्राम्स ऑफ गार्लिक एंड इसको सर्व कर सकते हो 15 ग्राम्स ऑफ मिंट कोरिएंडर चटनी के साथ। डे 6 के ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ चिक पी सैंडविच, इसको बनाने के लिए आप 2 मीडियम साइज ऑफ ब्राउन ब्रेड यूज करोगे, 30 ग्राम्स ऑफ रॉ चिकपी एंड 100 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। चना मसाला सैंडविच जो कि एक इंडियन स्टाइल सैंडविच है, तो इसे बनाने के लिए पहले हम पैन में थोड़ा सा बटर लेंगे, इसमें चॉप किए हुए अनियन ऐड करेंगे और इनको थोड़ा सा पकाएंगे।
इसके बाद इसमें हम बॉइल्ड चिकपी ऐड करेंगे। इन सफ़ेद चनों को मैंने सोक करके सिर्फ बॉइल किया है। पकाते वक्त आप इसको स्लाइटली मैश भी कर सकते हो। एंड नाउ वी विल ऐड चना मसाला टू इट। अगर आपके पास चना मसाला ना हो तो आप इसके अंदर नमक, गरम मसाला और धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब इसे थोड़ा सा पकाना है और फिर इसके ऊपर चॉप किया हुआ कच्चा प्याज ऐड करना है एंड कटा हुआ कोरिएंडर ऐड करना है। नाउ मिक्स एवरीथिंग वेल एंड विद दिस आवर स्टफिंग इज रेडी। अब एक ब्रेड स्लाइस पे हम हरी चटनी स्प्रेड करेंगे। ये घर की बनी हुई रेगुलर पुदीने की चटनी है और अब इसके ऊपर हम चना मसाला ऐड करेंगे। इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे, प्रेस करेंगे और दूसरा ब्रेड स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे। अगेन हमें इस सैंडविच को टोस्ट करना है। अंदर का स्टफिंग अच्छे से पका हुआ है तो हमें सिर्फ ऊपर की ब्रेड को ही ग्रिल करना है। So within a minute, our chana masala sandwich is ready. Cut it into two pieces and it's ready to eat. Day 7 के breakfast में आपको लेना है 1 medium piece of पालक पनीर पराठा। इसको बनाने के लिए आप 30 grams of wheat flour use करोगे, 30 grams of पनीर and 30 grams of पालक यानी spinach leaves। And इसको serve करना है 15 grams of mint coriander चटनी के साथ। तो ये थे हमारे all 7 days breakfast जिसमें हमने ये कोशिश की कि good amount of fiber content भी हो and complex कार्ब्स भी हो, क्योंकि यूजुअली डायबिटीज के टाइम पे ओवरनाइट हमारा शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है या बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा मेन पर्पस ये होना चाहिए कि हम मॉर्निंग में जो फर्स्ट मील ले रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब रिच हो ताकि हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिले एंड वो एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज हो पाए। अदरवाइज वो आपकी बॉडी के मसल्स को ब्रेक डाउन करती है एंड वो अननेसेसरी वेट लॉस होता है। वो कभी भी फैट लॉस नहीं होता, वो वेट लॉस होता है जिसमें मसल सेल्स डीजनरेट होते हैं, मसल परसेंटेज ड्रॉप होता है। तो मेक श्योर कि आपकी फर्स्ट मील गुड एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब हो ताकि आपकी बॉडी को नेचुरल ग्लूकोज मिल पाए एंड वो मसल को डीजनरेट नहीं करे। अब चलते हैं मिड मॉर्निंग की तरफ। मिड मॉर्निंग में आपको लेना है 200 ग्राम्स ऑफ एनी सीजनल फ्रूट विद 15 ग्राम्स ऑफ मिक्स सीड्स। मिक्स सीड्स में आप पम्पकिन सीड, फ्लेक्स सीड, सेसमे सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड्स, आप कोई भी सीड्स यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप फ्रूट्स भी अपनी पसंद का कोई भी खा सकते हो। यूजुअली पूछा जाता है क्या डायबिटीज़ में चीकू खाना है, बनाना, मैंगो, ये सब खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। तो बेसिकली मेरा आंसर हमेशा मेरे क्लाइंट्स के साथ यही रहता है कि आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो, बस उसकी क्वांटिटी को ध्यान में रखें। एंड स्पेसिफिकली डायबिटीज़ केस में आप जब भी कोई हाई ग्लूकोज या हाई शुगरी फूड आइटम लेते हो या फॉर एन एग्जाम्पल आपको मीठा खाने का भी मन कर रहा है, सो मेक श्योर कि आप उसको हेल्दी फैट के साथ कंबाइन करके खाओ। क्योंकि जब भी हाई इन ग्लूकोज फूड आइटम होता है उसको फैट रिच फूड आइटम बैलेंस कर देता है एंड हमारे शुगर लेवल स्पाइक नहीं होते। तो यू कैन एंजॉय एनी सीजनल फ्रूट इन डायबिटिक कंडीशन ऑल्सो, बट मेक श्योर कि आप उसमें हेल्दी फैट्स ऐड करो। और ऐसे ही आपको भी कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए और अपने फेवरेट फूड आइटम्स ऐड कराने हैं तो आप आई एम बाओ के कस्टमाइज डाइट प्लान में भी इनरोल कर सकते हो। अब चलते हैं लंच की तरफ। लंच में आपको डेली लेना है 200 ग्राम्स ऑफ मिक्स सैलेड जिसमें आप कुकुम्बर, टोमेटो, अनियन, कैरेट, रेडिश, कोई भी सीजनल सैलेड यूज कर सकते हो। एंड उसके साथ डे 1 में लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ मल्टीग्रेन रोटी विद 200 ग्राम्स ऑफ लोबिया करी। एंड लोबिया करी में आप 30 ग्राम्स ऑफ रॉ लोबिया लोगे। एंड मल्टीग्रेन रोटी के लिए आप कोई भी डिफरेंट वेराइटी ऑफ फ्लावर्स यूज कर सकते हो, लाइक ज्वार, बाजरा, रागी, बेसन, ओट्स या गेहूं। डे 2 के लंच में आपको लेना है 1 पीस ऑफ मल्टीग्रेन रोटी, 150 ग्राम्स ऑफ कुक्ड पत्ता गोभी की सब्जी एंड 150 ग्राम्स ऑफ कुक्ड येलो मूंग दाल। डे 3 के लंच में सैलेड के साथ आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ मल्टीग्रेन रोटी विथ 200 ग्राम्स ऑफ कुक्ड सोया चंक की करी। डे 4 के लंच में आपको लेना है 100 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राइस एंड उसके साथ 200 ग्राम्स ऑफ कुक्ड छोले की करी। यहाँ पे आप व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, कोई भी राइस ले सकते हो। राइस में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि डायबिटीज है तो हम व्हाइट राइस नहीं खाएंगे, ब्राउन राइस खाएंगे, या राइस को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। आप राइस भी उतनी ही शौक से खा सकते हो जितना आपको पसंद है, बट आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि आप उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करो एंड साथ में कोई प्रोटीन एंड फाइबर रिच मील्स को जरूर ऐड करो ताकि आपके शुगर लेवल्स बैलेंस हो, वो स्पाइक अप नहीं हो। डे 5 के लंच में आपको लेना है 1 बोल ऑफ मिक्स्ड वेजिटेबल राइस।
इसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ रॉ राइस यूज करोगे एंड 200 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल एंड इसको सर्व कर सकते हो 150 ml ऑफ वेजिटेबल रायते के साथ। डे 6 के लंच में आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ मल्टीग्रेन रोटी एंड उसके साथ लेना है 200 ग्राम्स ऑफ कुक्ड काला चना की करी। डे 7 के लंच में आपको लेना है 1 बोल ऑफ सोया चंक पुलाव, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ रॉ राइस, 20 ग्राम्स ऑफ सोया चंक एंड 150 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज करोगे एंड इसको सर्व कर सकते हो 150 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल रायते के साथ। तो ये थे हमारे ऑल 7 डेज के लंच, जिसमें हमने ये कोशिश की कि वो प्रोटीन रिच, कॉम्प्लेक्स कार्ब एंड फाइबर रिच हो, ताकि हमारे शुगर लेवल स्पाइक अप नहीं हो, वो एक बैलेंस मेंटेन करें। एंड मोस्टली जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जब भी हम रेगुलर घर पे शुगर लेवल चेक करने जाते हैं फास्टिंग एंड पीपी, तो उसमें हम अपने मील्स की टाइमिंग को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि जब भी हम अपना टेस्ट या लैब में कराने जाएं या घर पे करें, हमें डेली रूटीन के मील्स के अकॉर्डिंग ही टेस्ट करना चाहिए। हम क्या करते हैं यूजुअली कि अगर हमें कल डॉक्टर ने बोला है कल आपको फास्टिंग और पीपी चेक कराने जाना है लैब में, तो उसके लिए आप नाइट में ओवरनाइट 12 आवर्स का फास्टिंग रखते हो, क्योंकि आपको सुबह 7-8 बजे शुगर का सैंपल देने जाना है, विच इज कम्प्लीटली करेक्ट। बट आप वो एम्प्टी स्टमक हो, आप उसके बाद 7-8 बजे जा रहे हो, सैंपल दे के आ रहे हो एंड डॉक्टर ने बोला आप हैवी मील करके आओ, खा के आओ एंड उसके 2 से 2.5 घंटे बाद फिर से सैंपल देने आओ, तो उस टाइम पे आप प्रिफर करते हो कि ब्रंच कर लें एंड फिर हम 12-1 बजे वापस से सैंपल देने जाएं, क्योंकि मोस्टली सारे लैब्स डे टाइम पे क्लोज हो रहे होते हैं या आपको भी अपने सैंपल्स देके शाम में रिपोर्ट चाहिए होती है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो मेक श्योर जब भी आप सैंपल देने जाते हो मॉर्निंग में 7-8 के बीच में आप सैंपल दे के आओ, उसके बाद आके आप जो रेगुलर टाइमिंग्स पे आपका ब्रेकफास्ट है वो ब्रेकफास्ट करो, मिड मॉर्निंग मील लो एंड उसके बाद जो आपका रेगुलर लंच टाइम है वो लंच भी करो एंड लंच के 2 घंटे बाद अगर आप शुगर लेवल देख के आओगे विच विल बी योर पीपी का सैंपल, वो आपको परफेक्ट शुगर लेवल बताएगा, क्योंकि आपने वहाँ पे ब्रंच नहीं किया, एक हैवी मील नहीं की, आप एक रूटीन से हटे नहीं, आपका डेली रूटीन होता है, क्योंकि आप डेली तो ब्रंच नहीं कर रहे हो, आप ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच सारे मील्स कंज्यूम कर रहे हो, तो जिस दिन आप सैंपल देने जाते हो उस दिन आप डिस्टर्ब कर देते हो, जिसकी वजह से आपका जो पीपी के रिपोर्ट्स आते हैं वो गलत आता है। तो मेक श्योर आप अपना रूटीन सेम रखो जिस दिन आपका ब्लड टेस्ट होना है एंड ये ब्लड टेस्ट वेरी कर सकता है आपने लास्ट डे क्या खाया था या 2-3 दिन पहले क्या खाया या लंच में क्या खाया। परफेक्ट रिजल्ट्स के लिए आप HbA1c के टेस्ट को फॉलो कर सकते हो, जो आपके प्रीवियस 3 मंथ्स का रिकॉर्ड शेयर करती है एंड उससे आपको एक्यूरेसी पता पड़ती है कि एक्चुअल में आपके शुगर लेवल्स क्या हैं। अब चलते हैं इवनिंग स्नैक की तरफ, जहाँ पे आपको लेना है 1 बोल ऑफ मिक्स नट्स चाट, जिसमें आप रोस्टेड पीनट्स, रोस्टेड भुना चना, फॉक्स नट्स, पफ राइस ये सब ले सकते हो। इसकी क्वांटिटी विल बी 40-50 ग्राम्स एंड इसमें आपको ऐड करना है 200 ग्राम्स ऑफ सीजनल सैलड्स एंड वेजिटेबल लाइक कुकुम्बर, टोमेटो, अनियन एंड लेमन जूस एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप सॉल्ट एंड पेपर भी ऐड कर सकते हो एंड इसके साथ अपना पसंद का टी, कॉफी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी कुछ भी ले सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि इसमें आप शुगर ऐड नहीं करो, ना ही जागरी, ना ही खांड, क्योंकि ये अननेसेसरी कैलोरीज है जो आपके शुगर लेवल को स्पाइक अप करेंगी। तो मेक श्योर आप धीरे धीरे अपनी हैबिट चेंज करो एंड रेगुलर टी, कॉफी, मिल्क से शुगर का कंटेंट कम करो। अब चलते हैं डिनर की तरफ। डिनर के डे 1 में आपको लेना है पनीर वेजिटेबल रैप, जिसको बनाने के लिए आप 1 मीडियम साइज ऑफ मल्टीग्रेन रोटी यूज करोगे, 40 ग्राम्स ऑफ पनीर एंड 150 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज करोगे। डे 2 के डिनर में आपको लेना है दलिया खिचड़ी, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ रॉ दलिया, 30 ग्राम्स ऑफ रॉ एनी दाल लाइक मूंग दाल या तुअर दाल एंड 150 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज करोगे। डे 3 के डिनर में आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ मूंग दाल बेसन चीला, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ मूंग दाल, 30 ग्राम्स ऑफ बेसन एंड 100-150 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज करोगे एंड इसको सर्व करना है 15 ग्राम्स ऑफ मिंट कोरिएंडर चटनी के साथ। डे 4 के डिनर में आपको लेना है 1 बोल ऑफ लेंटिल सूप, जिसकी क्वांटिटी होगी 300 ml एंड इसके साथ लेना है 50 ग्राम्स ऑफ ग्रिल्ड पनीर। डे 5 के डिनर में आपको लेना है 1 पीस ऑफ मीडियम मल्टीग्रेन रोटी एंड उसके साथ 150 ग्राम्स ऑफ कुक्ड करेले की सब्जी।
डे 6 के डिनर में आपको लेना है 1 bowl ऑफ मसाला खिचड़ी, जिसको बनाने के लिए आप 30 grams ऑफ रॉ राइस, 30 grams ऑफ रॉ दाल यूज करोगे एंड 200 grams ऑफ एनी सीजनल वेजिटेबल। डे 7 के डिनर में आपको लेना है 1 medium piece ऑफ मल्टीग्रेन रोटी एंड उसके साथ 200 grams ऑफ लौकी की सब्जी। तो ये थे हमारे ऑल 7 days के डिनर ऑप्शन, जिसमें हमने कम्प्लीटली कार्ब्स को कट डाउन नहीं किया है, हमने बैलेंस आउट किया है राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड फैट के साथ, ताकि आपके शुगर लेवल बैलेंस रहे, ओवरनाइट वो ड्रॉप नहीं हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन नहीं आनी चाहिए, मतलब जहाँ पे आपका शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज वो एक मेजर कंसर्न को लीड करता है, कोमा के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप लो कार्ब और निल कार्ब वाली कोई भी डिनर नहीं ले रहे हो, आप उसको बैलेंस्ड लो, ताकि आपके शुगर लेवल्स मेंटेन रहे पोस्ट मील ऑल्सो एंड फास्टिंग ऑल्सो। एंड साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आप दिन भर में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो, या तो वॉकिंग कर सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, HIIT, योगा, कोई भी वैरायटी का वर्कआउट करो, बट जिसमें आप कम से कम 150 टू 250 कैलोरीज बर्न कर पाओ, क्योंकि जब हम कैलोरीज बर्न करते हैं तो फैट लॉस भी होता है एंड आपके शुगर लेवल भी मेंटेन होते हैं एंड उससे हैप्पी हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है एंड चांसेस बढ़ते हैं कि आपकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हाई आए, लाइक HbA1c की जो रिपोर्ट होगी वो ज़्यादा होगी। तो मेक श्योर आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करो, वर्कआउट भी करो एंड डाइट में पोर्शन कंट्रोल भी करो, जो आपको हेल्प करेगा शुगर लेवल को मेंटेन करने में एंड साथ ही साथ फैट लॉस करने में भी। अब सोने से पहले आपको लेना है 1 glass ऑफ जीरा अजवाइन वाटर, उसको बनाने के लिए आप 2 to 3 grams ऑफ जीरा एंड अजवाइन यूज करोगे एंड 300 ml वाटर में अच्छे से उसको बॉइल करना है, स्ट्रेन करके सर्व करना है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा, डाइजेशन भी इंक्रीज होगा एंड शुगर लेवल भी मेंटेन रहेंगे। सो ये था डायबिटिक फ्रेंडली डाइट प्लान, आई होप आज का डाइट प्लान आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना मत भूलिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट टाइम किस टाइप का डाइट प्लान देखना चाहेंगे एंड इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली बार नोटिफिकेशन जरूर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन डोंट फॉरगेट टू से आई एम वाओ नाउ एंड फॉरएवर।